नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन डेवलपर के डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। जब भी आपसे ये चीज पूछता है कि आप डेली के बेसिस पे क्या क्या काम करते हो, तो आप उस टाइम पे ये सब पॉइंट्स के बारे में बता सकते हो। ये वीडियो स्पेशली तीन पार्ट्स में डिवाइड होने वाले। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन रियलिटी पाइथन डेवलपर का काम क्या होता है, वो कंपनी में क्या क्या काम करता है। दूसरे पार्ट में मैं आपको ऐसे 15 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप बता सकते हो जब भी आपसे कोई भी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछता है। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये पॉइंट कहां कहां पे यूज कर सकते हो, किस किस को बता सकते हो। सो नाउ विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक पाइथन डेवलपर हो तो आप इन रियलिटी क्या क्या काम कर रहे होते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊं कि पाइथन लैंग्वेज एक जस्ट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जिसका यूज करके आप कुछ और चीजें डेवलप करते हो, जिसमें आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ता है या फिर बहुत सारा फ्रेमवर्क का यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप अगर वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आप जेंगो फ्रेमवर्क का यूज करना चाहते हो, और इसी तरह से आप अगर मशीन लर्निंग करना चाहते हो तो उस तरह से आप नमपाई या फिर पांडास लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हो। सिमिलरली मैंने एक और वीडियो सेपरेट बनाकर रखी थी कि अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर गेमिंग डेवलपमेंट करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने वो सब चीजें एक सेपरेट वीडियो में बताई हुई है, आपको आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हो या फिर किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ पाइथन पे काम नहीं करते। पाइथन से जुड़ी हुई जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं, जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, आप इन रियलिटी उन सब चीजों पर काम कर रहे होते हो। क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे इन रियलिटी काम करोगे तो आपसे ये सब चीजें नहीं बोली जाएंगी कि फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाकर दे दो या फिर सम का प्रोग्राम बनाकर दे दो या फिर प्राइम नंबर ढूंढ के दे दो, ऐसी सब चीजें नहीं बोली जाएंगी। आपको एक रिक्वायरमेंट अलग तरीके से दी जाएगी कि हमें ये फंक्शनैलिटी चाहिए। कोई भी अगर वेब पेज बना रहे हो तो आपको ये लॉजिक लगाकर वहां पर ये चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं, किस तरह से मॉडल से इंटरेक्ट करना पड़ता है, ये सब चीजें वहां पर आपको करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली आपको मैं ये सिनेरियो बताना चाहता हूं कि जो आपने काम एज ए फ्रेशर लेवल पे आपने सीखा होता है वो इन रियलिटी आप कंपनीज में जाके नहीं करते। कंपनीज में जाके आपको किसी भी फ्रेमवर्क पे या फिर कोई अलग लाइब्रेरीज यूज करके उस तरह से उसको प्रोसेस करना पड़ता है। बेसिक चीज जो कि आप बता सकते हो वो होता है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, कि आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट डेवलप करते हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में किस तरह से डील करते हो, किस तरह से क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हो। जब आप एक मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाते हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखते हो तो आप कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज करते हो, जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो उसमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं, आप उनके बारे में बता सकते हो। जब भी आप अपना कोड डेवलप कर लेते हो उसके बाद जो भी डीबगिंग रहती है, जो भी टेस्ट होते हैं या फिर जिस तरह से भी आप टेस्टिंग करते हो अपने लेवल पे, वो सब चीजें आप बता सकते हो। देन इन द एंड आप जब कोड रिव्यू करते हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तो आप ये सब पॉइंट्स कलेक्टिवली बता सकते हो जो भी आप इन रियलिटी उस कंपनी में काम कर रहे होते हो। अब मेन दिक्कत ये आती है कि आपने काम तो कर लिया होता है लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप किस तरह से बता सकते हो किसी भी पर्सन को कि मैं डेली के बेसिस पे क्या काम कर रहा होता हूं। तो अभी हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपसे अगर कोई भी पूछे कि आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं तो आप वो सब चीजें बता सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आई एम राइटिंग द एफिशिएंट, रीयूजेबल, टेस्टेबल एंड स्केलेबल कोड। तो ये पॉइंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी डेवलपर के लिए कि वो जब अपना कोड लिखता है तो उस कोड की मेन खासियत क्या होती है, वो टेस्टेबल कोड होता है, एफिशिएंट कोड होता है या फिर जो जो भी क्वालिटीज उसमें ऐड कर सकते हो आप लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज आई एम इन्वॉल्व्ड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ ट्रैकिंग द रिक्वायरमेंट, गैदरिंग एनालिसिस, डिटेल डिजाइन डेवलपमेंट, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप एक पाइथन डेवलपर हो या फिर कोई भी डेवलपर हो तो ये चीज आपको बताने की जरूरत होती है। इनमें से आप जो जो टास्क कर रहे होते हैं या फिर जो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप वो सब चीजें बता सकते हो। थर्ड पॉइंट इज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द डे टू डे इश्यूज एंड फाइन ट्यूनिंग द एप्लीकेशन फॉर एनहेंस्ड परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जब आपसे कोई डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछता है तो डेली के बेसिस में आप किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की एनहेंसमेंट में ही अपना सारा का सारा टाइम लगाते हो तो आप ये चीज तो डेफिनेटली बता सकते हो।
Next point is I am responsible for developing the backend components to enhance the performance and server side logic and platform statical learning models highly responsive web applications. तो जब आप एक Python developer होते हैं तो आपको भी पता है कि mainly Python developer का काम backend पर होता है, तो आपको mainly ये चीज बताने की जरूरत तो होती ही है कि जब भी आप Python developer हो तो आपको backend handle करने के लिए बोल दिया जाता है, server side पर किस तरह से काम किया जाता है या फिर models किस तरह से develop करवाए जाते हैं, machine learning के models किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर आप उसमें काम कर रहे हो तो आप बता सकते हो, नहीं कर रहे तो आप अगर वेब एप्लीकेशन को ही डेवलप करने में कर रहे हो तो आप वो सब चीजें बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज आई टेक पार्ट इन कोड रिव्यूज एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर रेफरेंस एंड रिपोर्टिंग। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप जूनियर डेवलपर भी हो और अगर आप सीनियर डेवलपर भी हो कि आप कोड रिव्यू जरूर करते हो। आपने पहली बार जब अपना कोड लिख लिया होता तो आप उसको खुद भी एक बार रिव्यू करते हो तो आप वो चीज भी बता सकते हो, और अगर आप किसी और का कोड रिव्यू कर रहे होते हो तो आप वो भी चीज बता सकते हो। कोड लिखने के बाद उसको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाते हो तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो। I contribute to regular team meetings. तो जब भी आप किसी भी IT कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपकी डेली के बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं जिसपे आपको अपना स्टेटस देना पड़ता है कि आपने कल क्या काम किया या फिर आप आज क्या काम करने वाले हो, तो ये चीज आप बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम वर्किंग क्लोजली विद द फ्रंट एंड डेवलपर्स टू डेवलप एंड इम्प्रूव द यूजर इंटरफेस एंड इंटीग्रेट द APIs. जनरली एक पाइथन डेवलपर का काम, अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो APIs बनाने से रिलेटेड ही आपका मेनली काम होता है, तो उस टाइम पे आप फ्रंट एंड डेवलपर को जो जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं तो आप उसके साथ बहुत ज्यादा closely काम कर रहे होते हो, तब उस टाइम पे ये सब चीजें बता सकते हो। I am testing and debugging the software application with Python testing framework tools like PyTest, PyUnit, etc. तो जब आप एक Python developer होते हो तो सारा का सारा कोड लिखने के बाद आप उसको टेस्ट भी करते हो, उसके लिए जो जो भी Python के टेस्ट फ्रेमवर्क होते हैं तो आप उनका यूज करते हो, तो आप ये चीज भी बता सकते हो। अगर आप ये चीज कर रहे होते हो तभी बताने का फायदा है, नहीं तो मत बताइए। I analyze and fix the faults reported within the existing code base. तो कई बार क्या होता है कि आपको existing code base में किसी भी तरह की modification करने की जरूरत होती है तो आप उसमें ये सब चीजें बता सकते हो। Next point is I'm managing the code versioning with GitHub, Bitbucket and responsible for the deployment to staging and production servers. तो जब भी आप Python developer हो या फिर अगर आप कोई भी developer हो, GitHub एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। Version control tools आपको use करने आने चाहिए क्योंकि ये one of the important चीज होती है किसी भी developer के लिए। इसकी मैं एक separate video definitely आपको बनाकर दूंगा कि GitHub को आप कैसे use कर सकते हैं या फिर कौन कौन से minimum ऐसे command होती है कि आपको पता होना चाहिए इन commands के बारे में जब भी आप एक development का काम कर रहे होते हो, तो आपको ये point तो definitely बताना चाहिए। Next point is I contribute to analyze and design of new requirements and fault or bug fixes. तो ये एक generic point होता है जिसके बारे में आप बता सकते हो। Next point is I am responsible for creating the predictive models for AL and ML based features and working with Python libraries like pandas, numpy, etc. तो अगर आप artificial intelligence या फिर machine learning के basis पे कोई भी काम कर रहे होते हो तो उस time पे आप क्या क्या libraries का use कर रहे होते हो उस दौरान, तो आप उन सब चीजों के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम वर्किंग ऑन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट यूजिंग पाइथन। अगर आप एक बेसिक पाइथन डेवलपर हो तो मोस्टली आपको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बनाने का काम दिया जाता है, तो उस टाइम पे आप ये सब चीजें बता सकते हो। I am involved in the direct client interaction for providing the change request, trouble reports and requirement collection. तो अगर आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो तो आप ये सब चीजें बता सकते हो। I am responsible for debugging and troubleshooting the programming related issue. ये सिर्फ Python developer ही नहीं बल्कि कोई भी developer ये चीज बता सकता है कि आप daily के basis पे troubleshooting या फिर debugging करते रहते हो, जो भी आपके code में issues आते हैं आप उसको resolve करते रहते हो, तो आप ये सब चीजें बता सकते हो। बात करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स कब बताने की जरूरत होती है या फिर किस किस को बताने की जरूरत होती है। तो जनरली जब भी आपसे इंटरव्यूअर कोई भी कभी भी ये चीज पूछता है कि आपके डेली के बेसिस पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डे टू डे आप क्या क्या काम करते हो, तो उस टाइम पे आप ये सब पॉइंट्स के बारे में बता सकते हो। उसके अलावा जब वो कभी भी आपसे ये चीज पूछी जाती है कि आप प्रीवियस कंपनी में क्या काम करते थे, तो उस टाइम पे अगर आप पाइथन डेवलपर ही वहां पे एज ए पाइथन डेवलपर काम कर रहे थे तो आप ये सब पॉइंट्स के बारे में बता सकते हो। एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि 15 के 15 पॉइंट आपको बताने की जरूरत नहीं होती। आप इन रियलिटी वहां पे जो भी काम कर रहे हो आप सिर्फ उन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में बताइए। इन सब 15 पॉइंट्स में से जो जो लगता है कि आपके रेलेवेंट है या फिर जिसको आप इलेबोरेट करके बता सकते हो, आप सिर्फ वही पॉइंट वहां पे बताइए। सारे के सारे पॉइंट बताने की जरूरत नहीं होती, मैक्स अगर आप 5-6 पॉइंट भी बताएंगे तो वो भी सफिशियंट रहता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा
ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम वाले ग्रुप को, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस की मैं एक एक्सेल फाइल बनाकर वहां पे जरूर शेयर करूंगा। तो आपने अगर अभी तक मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डेफिनेटली उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।